गुड मॉर्निंग 10th क्लास, आपके 18 ग्रेड से यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6th पर, एक्सरसाइज 10.2 पे। द लेंथ ऑफ आर्टेनियन फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब हम लोग कहा गया है एक अपना सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, उसका ये सेंटर है और यहाँ एक पॉइंट ए है, ठीक है। ये सेंटर से कितनी मीटर की डिस्टेंस पर है? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया, ये अपन को कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और अपन को क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये टेंजेंट या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। और परपेंडिकुलर अपन फाइंड करना है, तो यहां पर ए अज्यूम कर ले, ठीक है। तो अपन ए ओ और यहां मान लिया बी, तो ए ओ बी में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिससे अपनी रेडियस क्या हो जाएगी? फाइंड। तो अपन यहां लिखते हैं, लेट्स रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहां लिखेंगे एन ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 5। परपेंडिकुलर OB बेस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 5 25, OB को बनाकर से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 4 16, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सबट्रैक्ट करेंगे 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ आर इज 3 सेंटीमीटर। और ये अपन को क्या करना था? फाइंड करना था। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।